अगेन सभी बच्चों को, जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग, और जो बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे एक बार बस लिखा हुआ है मुगल एम्पायर। ओके, तो आज का चैप्टर सोशल साइंस बुक का फोर चैप्टर मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य है। आपको याद होगा कि हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट की थी, दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट पढ़ा था हमने। दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगल्स आए, यानी कि जो मुस्लिम रूलर आए, उनको मुगल एम्पायर कहा गया। उनको क्या कहा गया? मुगल, यानी कि सारे सारे जो मुसलमान थे जो यहाँ पर रूल करने के लिए इंडिया में सेट हो गए थे, वो सारे के सारे मुगल्स कहलाते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत लास्ट में कमजोर हो गई थी, वो बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर थे, सुल्तान थे दिल्ली के, वो बहुत कमजोर हो गए थे। इसी कमजोरी का फायदा उठाया सबसे पहले आने वाले, सबसे पहले जो सम्राट, मुगल सम्राट बाबर ने। बाबर अफगानिस्तान से आए थे, बाबर लिखा हुआ बोर्ड पे आप देख सकते हो बोर्ड पे कि बाबर अफगानिस्तान से आए थे, और अफगानिस्तान से आए और काबुल, ठीक है, काबुल से आए थे बाबर। ये बाबर इंडिया में कब से कब के बीच में रहे? 1526 से लेकर और 1530 तक रहे। आप देख सकते हो बोर्ड में भी मैं लिख रहा हूँ, और आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, स्क्रीन में भी दिख रहा है कि बाबर का टाइम, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर ने इंडिया के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बाबर नामा भी लिखा है, बाबर नामा लिखा है, ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में क्या लिखा है? बाबर नामा। बाबर ने इंडिया के बारे में बाबर नामा भी लिखा, ठीक है, बाबर नामा भी लिखा। वैसे ओरिजिनल तुर्की लैंग्वेज में उसने तुझके बाबरी लिखा था, फिर बाद में बाबर नामा के नाम से ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया बाबर नामा। तो बाबर जब इंडिया में आए, बहुत जबरदस्त ताकत थी, बहुत जबरदस्त फोर्स थी उनके पास में। जब अफगानिस्तान से जब वो पूरी मिलिट्री लेकर आए थे, पूरी जो है सेना लेकर आए, तो उन्होंने आते ही दिल्ली पर अटैक किया। उस समय दिल्ली का राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली का जो राजा था वो इब्राहिम लोदी था। देखो लिखा हुआ बोर्ड पे इब्राहिम लोदी, दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी। और आते ही इब्राहिम लोदी के साथ में फाइट हुई, इब्राहिम लोदी के साथ फाइट हुई, और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। एक कमजोर मुगल राजा, एक सॉरी कमजोर दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी से था, हमने पढ़ा था ना दिल्ली की लास्ट जो डायनेस्टी थी वो लोदी डायनेस्टी थी। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 की वार में पानीपत की लड़ाई, पानीपत की वॉर फर्स्ट में हरा दिया था। कब हराया? पानीपत की लड़ाई पहली। जब बाबर दिल्ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, तब हरियाणा के मैदान में इब्राहिम लोदी ने उसे रोका। मैं कौन सी लड़ाई की बात कर रहा हूं? 1526 की लड़ाई, जब बाबर इंडिया में आया, तो तब उस समय इब्राहिम लोदी के साथ फाइट हुई बाबर की, पानीपत के मैदान में, हरियाणा का जो पानीपत है उसके मैदान में लड़ाई हुई, इसीलिए इसको पानीपत की वार फर्स्ट भी कहते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई। और इसमें बाबर पूरी ताकत से लड़ा था और उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर की जीत हुई, बाबर की पहली जीत इंडिया में। और उसके बाद में बाबर ने अपने पैर जमा लिए पूरे इंडिया में, और धीरे धीरे फिर बाद में अटैक करता रहा अलग अलग एरिया में। अगला अटैक हुआ, ये तो उसका पहला अटैक था, और ये उसका दूसरा अटैक। पहला अटैक तो पानीपत की लड़ाई, इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक हुआ और इब्राहिम लोदी को हरा दिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दूसरी लड़ाई उसकी 1527 में रही, 1527 में खानवा की वार, खानवा राजस्थान की साइड में खानवा है, उस खानवा की लड़ाई लड़ी उन्होंने, खानवा वॉर। देखो वो बॉर्डर, इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, खानवा वॉर, ठीक है। किसके साथ लड़ाई हुई? राणा सांगा। किसके साथ लड़ाई हुई? राणा सांगा। राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा थे, ग्रैंडफादर, महाराणा संग्राम सिंह, उनको राणा सांगा भी कहते थे, महाराणा प्रताप के दादा थे। तो उनके साथ में बाबर की फिर फाइट हुई, ये सेकंड फाइट थी इंडिया में बाबर की 1527। पहले वाली कौन सी थी? 1526 पानीपत की बात, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरी लड़ाई किसके बीच में है? राणा सांगा और बाबर के बीच में। कौन जीत गया? बाबर। सुपर मिलिट्री उसके पास, जबरदस्त मिलिट्री थी, और उसने
आते ही इंडिया में तबाही मचा दी और इंडिया के सारे किंग्स को धीरे 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 वो हराता चला गया और धीरे धीरे इंडिया में अलग अलग जगह पर उसने सेटल करना शुरू कर दिया अपने आप को। ये दूसरी बार भी खानवा की वार बाबर ने जीत ली, दूसरी बार भी जीत गया, ठीक है। अब तीसरी लड़ाई की बारी आती है, थर्ड वार 1528 में चंदेरी की वार लड़ी गई। चंदेरी की वार मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ी गई और उसमें भी जीत गया। बाबर इतना टैलेंटेड था, इतना जबरदस्त कमांडर था मिलिट्री का, इतना जबरदस्त मुस्लिम यानी कि मुगल किंग था, उसने धीरे धीरे सबको हराना शुरू कर दिया। दिल्ली पर, राजस्थान के खानवा पर और चंदेरी पर सारा एरिया धीरे धीरे कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और तीन लड़ाइयां लगातार जीत ली, 1526 पानीपत की फर्स्ट वार, 1527 खानवा की वार, 1528 चंदेरी की वार। किन किन को हराया? पहली वाली में इब्राहिम लोदी को हराया, दूसरी वाली में राणा सांगा को हराया और तीसरी वाली में मेदिनी राय को हरा दिया, ठीक है। लेकिन लास्ट में 1526 में किसकी लड़ाई, 1530 में, देखो नीचे लिखा हुआ है, 1530 में बाबर की डेथ हो गई। 1530 में 1530 में जब वो बहुत सारा एरिया कवर कर चुका था, उसी समय अचानक उसकी डेथ हो जाती है बाबर की। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजगद्दी पे बैठता है, लेकिन बाबर के तीन चार बेटे थे, ठीक है, तीन चार बेटे थे, सबसे बड़ा लड़का हुमायूं ही था। और इंडिया में हिंदू टाइम में भी और मुस्लिम टाइम में भी वंश परंपरा चलती थी, इसीलिए बाबर के बाद अगला राजा कौन बनेगा? हुमायूं। दिल्ली का नया राजा बाबर के डेथ के बाद हुमायूं बनेगा, ठीक है। अब बाबर के बाद जो दूसरा जो किंग बना दिल्ली का, मुगल किंग, जो दूसरे किंग बने मुगल किंग, बेटा ये जो है, तो देखिए हुमायूं के बारे में, बेटा स्क्रीन से हटा, हुमायूं जब राजगद्दी पर बैठे, हुमायूं जब 1530 से 1540 के बीच में 10 साल के लिए राजपाट कर पाए, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ था। वैसे तो बाबर के फादर की डेथ जो है, किसकी? हुमायूं के फादर की डेथ, यानी कि बाबर की जब डेथ हो गई 1530 में, तब हुमायूं को राजगद्दी मिली, लेकिन हुमायूं के भाइयों में लड़ाई हो गई। हुमायूं के जो भाई थे, हुमायूं के भाई कामरान, अकमल, अस्करी, हुमायूं के तीन भाई थे, कामरान, अस्करी, अकमल और हिंदाल, तीन चार भाई थे उसके। कौन कौन थे उसके भाइयों के नाम लिख रहा हूं मैं, उनके भाइयों के नाम थे, क्या क्या नाम थे मैं बोर्ड पे लिख भी रहा हूं, आप देख भी सकते हो साथ के साथ। उनके नाम थे अकमल और अस्करी, हिंदाल और कामरान, ठीक है, कामरान, ये तीन चार उनके भाई थे कामरान। तो कौन कौन थे? हिंदाल, अस्करी, अकमल और कामरान, ये चार भाई थे, पांचवा खुद हुमायूं था। तो हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था बाबर का, इसलिए राजगद्दी उसी को मिली, लेकिन चारों भाइयों में फाइट हो गई। उनके पांचों भाइयों में, अकमल में, अस्करी में, हिंदाल में और कामरान में, इन चारों को लेकर भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई राजपाट को लेकर, ठीक है। और फाइनली हुमायूं ही राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी को लेकर लड़ाइयां हो जाती थी कई बार, ठीक है, बाबर की डेथ के बाद, ठीक है। उसके बाद 1530 से 1540 तक हुमायूं राजपाट करता रहा, लेकिन ठीक से राजपाट नहीं कर पाया, क्योंकि करीबन 5 ईयर तक, 5 साल तक, 1530 से लेकर 1535 तक वो आपस में भाई लड़ाई करते रहे और ठीक से राजपाट नहीं हो पाया, ठीक है। फिर जो है आखिरी में 1540 में, देखो कौन सी ईयर में, 1540 में अटैक हो गया, किस पर? हुमायूं पर अटैक हुआ शेर खान का, दिल्ली के राजा हुमायूं पर। भाइयों की तो लड़ाई हो ही गई थी, उसी बीच 1540 में अटैक हुआ, 1539 और 40 दोनों में अटैक हुआ था। देखो किस किस में अटैक हुआ, दो साल में लगातार अटैक हुए, 1539 में अटैक हुआ और 1540 में अटैक हुआ, दोनों बार अटैक हुए, ठीक है। शेर खान, जिसका नाम शेर शाह सूरी भी था, उसने हुमायूं के साथ चौसा की वार लड़ी, 1539 चौसा की वार लड़ी और 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी।
चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई दो बार लड़ी गई। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और दिल्ली पर राजगद्दी हासिल कर ली। शेरशाह सूरी, जिसका नाम शेर खान भी था, उसने हुमायूं को हरा दिया। 1540 में वो वहां से भाग गए। हुमायूं दिल्ली को छोड़कर भाग गया और दिल्ली पर किसका राजपाट हो गया? शेरशाह सूरी का। लेकिन फिर 1555 में कुछ साल के बाद, 15 ईयर के बाद, आफ्टर 15 ईयर हुमायूं वापस आया 1555 में और दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली पर अटैक करके दिल्ली वापस ले ली। दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली रिकैप्चर की गई। दिल्ली को रिकैप्चर किया गया, दिल्ली को क्या किया गया? रिकैप्चर किया गया, ठीक है। और आखिरी में 1 साल ही राजपाट कर पाया। दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद आखिरी में 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं की डेथ लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतरते हुई, ठीक है। हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियां, यानी कि अपने जो मुगल दरबार का या मुगल साम्राज्य की जो तो लाइब्रेरी होती थी, मतलब पुस्तकालय होता था, उसकी जब सीढ़ियां नीचे उतर रहा था तहखाने में, तभी उसका सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वो मर गया। नीचे गिरा तब वो मरी हुई हालत में था, ठीक है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह हुमायूं बाबर की तरह पावरफुल नहीं निकला। हुमायूं अपने पिता बाबर के जैसा पावरफुल नहीं था। शुरू में तो उसके भाइयों से लड़ाई होती रही और आखिरी में उसके ऊपर शेरशाह सूरी का अटैक हो गया और फाइनली वो हार गया और हार कर उसे भागना पड़ा, दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा 1540 में। कब भागना पड़ा? 1540 में। दो लड़ाइयां हुई थी 1539 और 1540 की, चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई, उसमें उसको भागना पड़ा। हुमायूं ने एक बार फिर देख लो, हुमायूं का राजपाट 1530 से 1540 के बीच में रहा 10 साल और उस आखिरी में 1540 में उसमें शेर खान का डेथ हुआ तो उसको भागना पड़ा। फिर वो दोबारा आया दिल्ली को कैप्चर करने के लिए 1555 में और 1 साल ही राजपाट कर पाया। आखिरी में उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। पुस्तकालय की लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतरते हुए तहखाने में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके भाइयों से लड़ाई होती रही, ब्रदर फाइटिंग्स चलती रही। आखिरी में शेर खान का अटैक हुआ, जिसका नाम शेरशाह सूरी भी था। उसने पहला अटैक इस पर हुमायूं पर कब किया? 1539 में चौसा की लड़ाई, ठीक है, और फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई, ठीक है। आखिरी में दिल्ली को उसने दोबारा से आकर 15 साल के बाद रिकैप्चर किया, ठीक है। तो हुमायूं अपनी पूरे लाइफ में लड़खड़ाता ही रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। हुमायूं ठीक से अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाया। 10 साल का राजपाट किया, वो ज्यादा बढ़िया राजपाट नहीं था। फिर उसके बाद 1 साल राजपाट किया तो वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं था। यस, हुमायूं के बाद आप स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, देखिए अब अगला राजा है हुमायूं के बाद। हुमायूं जब दिल्ली से भागा तो उसने राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में उसने निकाह किया। राजस्थान में एक जगह पर रुके थे, वहां पर उन्होंने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। निकाह मतलब शादी की। बाबर ने, बाबर के बारे में जो भी पता लगता है वो बाबरनामा से पता लगता है, सॉरी बाबर के बारे में पता बाबरनामा से लगता है और हुमायूं के बारे में हुमायूं नामा से पता लगता है, ये उनकी बुक्स थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं नामा अकबर की बहन ने लिखा था और बाबर नामा बाबर ने खुद लिखा था, ठीक है। इन्हीं से हमें पता लगता है। बुक हुमायूं नामा तो हुमायूं की बहन ने लिखी थी और बाबर नामा बाबर ने खुद लिखी थी। बेटा लास्ट में हर्ष अकबर का, अकबर की शुरुआत होती है 1556 से 1605 में। 1556 से 1605 में अकबर की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि 1556 में किसकी डेथ हो गई थी? 1556 में किसकी डेथ हो गई थी? हुमायूं के बाद जो अकबर जो था वो 13 साल की उम्र में उसे राजा बना दिया गया, क्योंकि जो हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम से हो गई थी राजस्थान में, उनकी शादी हो गई थी जब वो दिल्ली से निकले। जब हुमायूं दिल्ली से भागे तो 1541 में निकाह हुआ था उनका हमीदा बानो बेगम से, जो अकबर की मदर थी। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था, ठीक है। तो उनसे उनका निकाह हुआ और अकबर का जन्म हुआ।
फिर अकबर जब 13 साल के थे तब उन्हें राजगद्दी दे दी गई, क्योंकि 1556 में वो 13 ईयर के हुए थे। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में, ठीक है। तो 1542 में जन्म हुआ, और जब हुमायूं की डेथ हुई उस समय अकबर 13 साल के हो चुके थे। और जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई, जब हुमायूं की डेथ हुई उस समय अकबर 13 साल के थे, जब हुमायूं की डेथ हुई उस समय थे, और उसी समय उनको राजपाट सौंप दिया गया, ठीक है। उनका एक सेनापति था बैरम खान ने अकबर का राज तिलक किया, ठीक है, और उसके बाद अकबर का जो है राजपाट शुरू हो जाता है। लेकिन अकबर एक छोटा बच्चा था, 13 साल का लड़का था, तो उसको ठीक से राजपाट करना नहीं आ रहा था, इसीलिए बैरम खान खुद लीडरशिप करते थे। बैरम खान को अकबर खान बाबा भी कहते थे, बैरम खान को अकबर खान बाबा भी कहते थे। और बैरम खान की लीडरशिप में 1556 से लेकर 1570 तक 14 ईयर तक 1556 से 1570 तक अलग अलग जगह पर अकबर के अटैक हुए, मतलब कि बैरम खान की लीडरशिप में। अकबर राजा बन चुके थे, हुमायूं का बेटा अकबर 13 साल की उम्र में, और बैरम खान की लीडरशिप में 1556 से 1570 के बीच में अलग अलग जगह पर अटैक हुआ। सूरी एरिया में अटैक हुआ, सूरी एरिया मतलब दिल्ली एरिया में अटैक हुआ, अफगान एरिया में, अफगानिस्तान एरिया में अटैक हुआ, मालवा राजस्थान पे अटैक हुआ, मालवा राजस्थान और एमपी का एरिया, ठीक है। और मिर्जा हाकिम के रिवोल्ट को भी उन्होंने झेला। मिर्जा हाकिम जो अकबर का सौतेला भाई था उसका भी रिवोल्ट विद्रोह हो गया था, उसको भी इन्होंने सहन किया, और उसके बाद पूरे इंडिया में कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि दोनों राजाओं में से, बाबर और हुमायूं में से सबसे ताकतवर थर्ड नंबर पे अकबर रहा। अकबर के मुकाबले में कोई नहीं था। अकबर ने बहुत लंबे टाइम तक राजपाट किया, इन दोनों राजाओं से ज्यादा टाइम उसने राजपाट किया, और बहुत अच्छे से राजपाट किया। अकबर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। अकबर के बारे में नॉलेज हमें दीन ए इलाही से मिलती है। कहां से मिलती है? दीन ए इलाही एक बुक है, उस बुक से हमें पता लगता है अकबर के बारे में, ठीक है। दीन ए इलाही से पता लगता है। अकबर जब छोटे थे तो बैरम खान की लीडरशिप में सूरी, अफगान और मालवा कंट्रोल किया गया, और मिर्जा हाकिम को भी रिवोल्ट जब उसने किया था तो उसको भी मार दिया गया, उसके सौतेले भाई को भी मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1517 से 1585 दूसरा, अब अकबर खुद राजपाट करेगा। अभी तक जो है अकबर खुद राजपाट नहीं कर पाते क्योंकि छोटे थे वो। अब उसके बाद उन्होंने खुद अटैक किए, अकबर ने खुद, देखो मैंने लिखा है 1556 से 70 के बीच में लीडरशिप कौन कर रहा था? बैरम खान, क्योंकि अकबर छोटे थे। लेकिन अब अकबर बड़े हो गए हैं, 1570 में अकबर बहुत बड़े हो गए थे, 26-27 ईयर के हो चुके थे। अब वो खुद मिलिट्री कैंपेन करते थे, अटैक करते थे। उन्होंने गुजरात को अटैक किया, कब्जा लिया। उन्होंने बिहार को अटैक किया, कब्जा लिया। उन्होंने बंगाल पे अटैक किया, कब्जा लिया। और उन्होंने उड़ीसा पर अटैक किया, उसको भी कब्जा लिया गया, ठीक है। इस तरह से जगह जगह पर अटैक हुए, और अकबर सब एरिया को जीतता जा रहा था, धीरे धीरे कंट्रोल करता जा रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अकबर का तीसरा जो राउंड था वो 1585 से 1605 के बीच में, तीसरी बार मिलिट्री कैंपेन की। कश्मीर में अटैक किया, कब्जा लिया। बरार एमपी की तरफ अटैक किया, कब्जा लिया। खानदेश पर अटैक किया, कब्जा लिया। और अहमदनगर साउथ की तरफ अटैक किया, उसको भी कंट्रोल कर लिया। और आखिरी में 1605 में उसकी डेथ हो गई, 1605 में उसकी डेथ हो गई, ठीक है। 1605 में उसकी डेथ हो जाती है, और इस तरह से आखिरी में अकबर भी जो है बीमार होने की वजह से मारा गया, ठीक है। देखो बाबर की डेथ कैसे हुई? बीमार होने से। हुमायूं की डेथ कैसे हुई? सीढ़ियों से गिरने से, ठीक है, सीढ़ियों से। और जो है, और हुमायूं की, इसकी अकबर की डेथ कैसे हुई? 1605 में बहुत ज्यादा बीमार होने से इसकी आखिरी में डेथ हो गई। और उसके बाद उसका बेटा अकबर का जहांगीर बना, फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां, बोर्ड पे लिखा हुआ है, और शाहजहां का बेटा फिर औरंगजेब राजपाट करेगा।
अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब राजपाट करेगा। तो इनके बारे में हम कल फिर से डिसीजन करेंगे। अकबर के बारे में जो भी डाउट है आप कल पूछना इसी क्लास। फुल राजा रहे थे, तीनों में से सबसे पहले कौन आया? बाबर आया। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद कौन आया? जहांगीर आया। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, आपको याद था मैंने बताया था कि बाबर जो है सबसे पावरफुल रहा था और उसने खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और पानीपत की लड़ाई लड़के अपना राजपाट दिल्ली में जमा लिया था। उसके बाद हुमायूं अपने भाइयों से लड़ता रहा और आखिरी में उसने शेर खान का अटैक हुआ, शेर खान का अटैक हुआ और शेर खान के अटैक के बाद उसे भागना पड़ा। और फिर जब वो एक साल के लिए वापस आया 1555 में, तो एक साल के बाद उसकी डेथ हो गई। दिल्ली को वापस तो उसने कब्जा लिया था, लेकिन बाद में उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतरते हुए हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं के बारे में पता हमें हुमायूं की बुक हुमायूं नामा से पता चलता है। बाबर के बारे में पता हमें बाबर की बुक बाबर नामा से पता चलता है, ठीक है, ओके। दोनों के बारे में बुक लिखी गई है, बाबर के बारे में बाबर नामा और हुमायूं के बारे में हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा तो हुमायूं की बहन ने लिखा था, ठीक है, हुमायूं की बहन ने गुलबदन बानो बेगम ने लिखा था, ठीक है। और हुमायूं के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि हुमायूं जो था ना, वो जब उस पे शेर खान का अटैक हुआ और जब वो भागा, कब भाग गया? 1540 में। हुमायूं के बारे में देखो एक बार, 1540 में जब उसके ऊपर अटैक हुआ कन्नौज की वार, देखो लिखा हुआ हुमायूं वाले कॉलम में नीचे चौसा की वार और कन्नौज की वार लिखी हुई है। तो जब कन्नौज और चौसा की वार में हुमायूं हार गया तब वो कुछ दिनों के लिए राजपुताना में रुका था, राजस्थान। राजपुताना मतलब राजस्थान में रुका था, ठीक है। तो जब राजपुताना में रुका तो वहीं पर उसकी शादी हुई हमीदा बानो बेगम से। किससे हुई? हमीदा बानो बेगम से हुई। और हमीदा बानो बेगम से ही जलाल का जन्म हुआ। जलाल अकबर का बचपन का नाम था। अब आप लोग कह रहे थे ना भाई अकबर के बारे में आराम से बताना हमें, तो अकबर की बारी शुरू हो गई। अब जलाल नाम था उसके बचपन का, ठीक है, और वो हिंदू परिवार में जन्म लिया था। बहुत दिनों तक जलाल राजपुताना में रहा था, राजपुताना मतलब राजस्थान में रहा था, ठीक है। और उसकी माँ जो थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, तो हमीदा बानो बेगम जो हिंदू राजपूतों के आसपास रही थी, हिंदुओं के आसपास रही थी, तो अकबर हिंदुओं को बचपन से ही पसंद करने लगा था। यानी कि जलाल, अकबर का नाम तो अकबर बाद में पड़ा, पहले उसको जलाल कहते थे, जलाल, ठीक है। तो जलाल का जन्म कब हुआ? 1542 में, देखो लिखा हुआ बोर्ड पे 1542 में जन्म हुआ। 1542 में जलाल का जन्म हुआ और फिर जलाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा, हिंदू रीति रिवाज सीखने लगा, हिंदुओं के मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगा और हिंदुओं के राजपूतों के जो रीति रिवाज होते थे वो सीखने लगा धीरे धीरे, ठीक है, ओके। 13 साल की उम्र में वो राजा बनता है जब उसके फादर की डेथ हो जाती है। फादर कौन है? हुमायूं। याद है हुमायूं की सीढ़ियों से उतरते हुए मर गया था वो। एक इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं अपने पूरे जीवन काल में लड़खड़ाता ही रहा और आखिरी में लड़खड़ाते हुए लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। तो ये हुमायूं था। हुमायूं किसके फादर थे? अकबर के फादर थे, पिता थे अकबर के, ठीक है। तो अकबर के पिता की जब डेथ हुई हुमायूं की, तब हुमायूं की डेथ होने पर अकबर को 13 साल की उम्र में ही क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया, ठीक है, राजा बना दिया गया। क्योंकि दिल्ली खतरे में थी, क्योंकि दिल्ली खतरे में थी उस समय जब बाबर, जब हुमायूं की डेथ हुई, जब हुमायूं की डेथ हुई उस समय अकबर जो थे वो दिल्ली में नहीं थे। जब हुमायूं की डेथ हुई तो अकबर दिल्ली में नहीं थे, इसीलिए फिर बार बैरम खान ने उनको पंजाब के कलानौर में, उस समय वो कहां थे? पंजाब राजपुताना एरिया में थे, ठीक है। तो पंजाब के कलानौर में ही उनका राज्याभिषेक कर दिया 13 साल की उम्र में। बैरम खान को, जिनको खान बाबा कहते थे, उनने उनका राज्याभिषेक किया और फिर दिल्ली जीतने के लिए वापस चल पड़ते हैं। दिल्ली जीतने के लिए 1556 में बैरम खान की लीडरशिप में अकबर यानी कि जलाल 13 साल का लड़का जो है दिल्ली को वापस लेने के लिए चल देता है।
ठीक है, वापस लेने के लिए चल देता है। धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जैसे उसके फादर की डेथ हुई वो दिल्ली जीतने के लिए वापस चल देते हैं, क्योंकि हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली को हेमू ने कब्जा लिया था, दिल्ली को हेमू ने कब्जा लिया था 1556 में। तो हेमू से दिल्ली को छुड़वाना था, क्या नाम था उसका, हेमू, हेमू, हेमू ने उसको कब्जा लिया था दिल्ली को, ठीक है। तो हेमू से छुड़वाने के लिए वो चल देते हैं, अटैक करने के लिए चल देते हैं। हर्ष बाद में अकबर दिल्ली पर अटैक करता है 1556 में और दिल्ली को दोबारा कब्जाने के लिए कोशिश करता है, इसीलिए पानीपत की सेकंड वार हुई। पानीपत की सेकंड वार 1556 में हुई, कौन सी वार, पानीपत की सेकंड वार, पानीपत की सेकंड वार, पानीपत सेकंड कब हुई, 1556 में हुई, किसके बीच में, अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, हेमू के बीच में पानीपत की तीसरी सेकंड वार हुई, सेकंड वार, पानीपत की सेकंड वार, ठीक है, ओके। तो पानीपत की सेकंड वॉर में हेमू को हरा दिया गया, जलाल ने बैरम खान की लीडरशिप में हरा दिया हेमू को, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद अकबर ने, यानी कि जलाल ने, छोटे उम्र का जो बच्चा है बैरम खान के लीडरशिप में उसने अलग एरिया में अटैक किए, उसने सूरी वंश पर अटैक किया, उसने अफगान वंश पर अटैक किया, उसने मालवा वंश पर अटैक किया, उसने मिर्जा हाकिम का जो उसका भाई था उसके रिवोल्ट को फिनिश किया, अलग अलग एरिया में अटैक किया उसने। मिलिट्री कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन का मतलब होता है कि अलग अलग एरिया में मिलिट्री का अटैक, अलग अलग एरिया में अटैक किए और धीरे धीरे एरिया बढ़ाने लगता है अकबर, ठीक है। देखिए, उसने सूरी राजवंश पर अटैक किया, उसने अफगानों पर अटैक किया, उसने मालवा पर अटैक किया और उसने उसका जो भाई था मिर्जा हाकिम उसके ऊपर भी अटैक किया, मिर्जा हाकिम उसका सौतेला भाई था उसके ऊपर भी अटैक किया, ठीक है, उसके ऊपर भी अटैक किया और उसको भी हरा दिया। अकबर धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाता जा रहा था। फिर 1570 से लेकर 1585 तक अकबर ने खुद, पहले तो बैरम खान की लीडरशिप में अटैक होता था लेकिन अब अकबर खुद अटैक करने लगा। उसने जब मिलिट्री कैंपेन गुजरात में किया, गुजरात को जीत लिया, अकबर ने खुद बिहार पे अटैक किया और जीत लिया, अकबर ने खुद बंगाल और उड़ीसा पर अटैक किया और जीत लिया। इतनी बड़ी मुगल सेना होती थी, जो किसी एरिया पे अटैक होता था उसका बचना मुश्किल था। मुगल सेना बहुत बड़ी होती थी और जबरदस्त टेक्निक से लड़ती थी। कोई भी हिंदू राजा, कोई राजपूत बिहार, गुजरात, डेक्कन, कश्मीर, पंजाब, किसी भी एरिया का कोई राजा है, अकबर की मुगल सेना के सामने टिक नहीं पाता था। मुगल सेना इतनी पावरफुल हो गई थी अकबर के टाइम में, ठीक है। मॉडर्न वेपन्स होते थे, आधुनिक हथियार होते थे, लड़ने मरने के लिए लोग तैयार होते थे, ठीक है। इस तरह से जो है गुजरात, बिहार और बंगाल और उड़ीसा जीत लिया, किसने, अकबर ने जीत लिया। अब फिर टाइम आया 1585 से 1605 के टाइम में, अकबर ने कश्मीर को जीता, अकबर ने बरार एरिया साउथ में उसको जीता, अकबर ने खान देश को जीता और अकबर ने साउथ में अहमदनगर को जीता और आखिरी में 1605 में अकबर की ज्यादा बीमार होने से डेथ हो जाती है। अकबर पूरी जिंदगी 13 साल से लेकर और 1605 तक वो लगातार क्या करता रहा, लड़ाइयां लड़ता रहा। आप देखोगे वो 49 ईयर तक लड़ता रहा, 49 साल तक लगातार लड़ाइयां लड़ी उसने, 49 ईयर तक का रूल था उसका 1556 से लेकर 1605 तक। अगर आप देखोगे तो 49 ईयर हो जाते हैं। अकबर बहुत लंबे समय तक लड़ा और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव खड़ी की उसने, भारत में एक सॉलिड, एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की नींव अकबर के टाइम में पूरी हुई। हुमायूं के टाइम में नहीं हुई थी, हुमायूं तो बहुत कमजोर था, बाबर ने तो शुरुआत की थी, हुमायूं को बहुत बड़ा बनाना था उसे, लेकिन वो कर नहीं पाया, पर अकबर ने कर दिखाया। अकबर के दरबार में नौरतन हुआ करते थे, मैं आपको बताता हूँ, अकबर के दरबार में नौरतन हुआ करते थे, जैसे कि बीरबल, अकबर बीरबल की कहानियां भी इससे आते रहते हैं टीवी पर और जो है इनमें आते रहते ना अकबर बीरबल, तो वो अकबर के राज दरबारियों में बीरबल होता था, फिर मुल्ला तो प्याजा होता था,
फिर अब्दुल रहीम खाने खाना होता था, फिर मियां तानसेन होता था, फिर बैजू बावरा होता था, फिर मुल्ला तो प्याजा होता था, और इस तरह के बहुत सारे नौ रतन हुआ करते थे। नौ ज्ञानी आदमी, नौ तरह के ज्ञानी आदमी उसके दरबार में होते थे। दोबारा गिनो, मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला तो प्याजा, बीरबल, बैजू बावरा, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल फैसी, हो गए ना नौ, नहीं याद हुए, एक बार फिर देखो ट्राई करो, ठीक है। तानसेन एक हो गया, ठीक है, बैजू बावरा दो, दोनों संगीतकार थे अकबर के राज दरबार में, संगीत एकदम बढ़िया ढंग से। तानसेन तो इतना जबरदस्त संगीतकार था कि वो दीपक राग गाता था, वो गाने गाते गाते दीपक जला देता था, कमाल की बात है। दीपक राग इतना जबरदस्त गाया जाता था कि गाना गाते गाते ही दीपक की ज्योति बिना तिल्ली जलाए चल जाती थी, कमाल की बात है। वो बादल राग गाता था, जब वो गाना गाता था तो बादल आ जाते थे और बारिश हो जाती थी, इतना जबरदस्त कलाकार था उसके टाइम में। मियां तानसेन और कौन, बैजू बावरा, ये दोनों गायककार थे। फिर अबुल फजल और फैजी, महान चित्रकार, खड़े खड़े आदमी की फोटो बना देते थे वो, ठीक है। उन्होंने राजा अकबर की बहुत बार फोटो बनाई है, बहुत बार फोटो बनाई, इतने अच्छे जबरदस्त चित्रकार होते थे ये, ठीक है, चित्रकार होते। या शिखर ठाकुर बाद में लेंगे बेटा, देखिए। तो अकबर के बारे में नौ रतन कौन से हो गए, मियां तानसेन, बैजू बावरा, दोनों संगीतकार थे, अबुल फजल और फैजी, ये अबुल फजल और फैजी दोनों चित्रकार थे। राजा टोडरमल और मानसिंह अकबर की सारी जमीनों की देखभाल करते थे, कितने हो गए, छह हो गए ना। देखो तानसेन बैजू बावरा दो हो गए, और उसके अलावा मानसिंह और टोडरमल चार हो गए, अबुल फजल और फैजी छह हो गए, छह हो गए ना। अब तीन और याद करते हैं, तीन में से कौन हो गया, मुल्ला तो प्याजा, मुल्ला तो प्याजा, प्याज नहीं प्याजा, ठीक है, मुल्ला तो प्याजा, बहुत अच्छा एकदम, एक शेर शायरी करने वाला आदमी था, बहुत शेर शायरी करता था, मुल्ला तो प्याजा, ठीक है। फिर अगला था अब्दुल रहीम खाने खाना, क्या नाम था, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बहुत फेमस था ये उस समय अकबर के राज दरबार में। और एक बच गया टोडरमल, कौन सा, मुल्ला रहीम, अब्दुल खाने खाना, मुल्ला तो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, और एक और रह गया, कौन सा रह गया, फैजी, फैजी रह गया। ये इस तरह से नौ रतन हुआ करते थे उसके राज दरबार में, ठीक है, कितने फेमस थे नौ रतन ये अकबर, हाँ अकबर जो राज दरबार लगाया करते थे। बैजू बावरा, उसके बाद मानसिंह और टोडरमल, फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, और कौन सा था, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये आठ नौ होते थे। आप याद कर लेना, मैं लिख के भेज दूंगा, कोई बात नहीं। आपको पता है अकबर सुबह सुबह जलौका दर्शन करते थे, जलौका दर्शन मतलब वो बाहर आते थे राजमहल से, और जो भी उनसे जो मांगता था उसको दे देते थे। वो दानी बहुत थे, हिंदुओं के साथ वो मेल मिलाप की नीति अपनाते थे, ठीक है। अकबर की शादी जोधा से भी तो हुई थी, राजा भारमल की बेटी जोधाबाई, जोधाबाई से शादी हुई थी, और जोधाबाई से शादी हुई जोधा एक हिंदू थी और अकबर एक मुस्लिम थे। जोधा अकबर से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी शादी हुई, क्योंकि अकबर की सेना ने जोधा के पिता के एरिए पे, भारमल, उनके पिता का नाम था भारमल, वो अजमेर के राजा थे, बिहारी मल आमेर और अजमेर के राजा थे, आमेर के राजा थे, तो आमेर पर मुगल सेना ने अटैक करने का प्लान बना लिया, आमेर पर अटैक करने का प्लान बना लिया। और तुम जानते हो कि एक बार अगर मुगल सेना कहीं पे अटैक करती है तो कुछ नहीं छोड़ेगी, सब कुछ खत्म कर देगी। इसीलिए जो है, जो राजा भारमल ने, जो जोधा के पिता थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर जोधा की शादी अकबर से करा दी जाए तो आमेर पर अटैक नहीं होगा। मुगल सेना का आमेर पर अटैक बचाने के लिए क्या किया गया, आमेर पर अटैक बचाने के लिए जोधा की शादी अकबर से करा दी गई, ठीक है। जोधा बाई, जिसका कई बार नाम जोधा नहीं होता, हरखा बाई होता है, जोधा बाई का असली नाम हरखा बाई था, उसे जोधा तो जबरदस्ती बना दिया गया, उसका नाम जोधा रख दिया गया, जबकि जोधा बाई उसका नाम था ही नहीं, उसका नाम हरखा बाई था। फिल्मों में भी उसे जोधा के नाम से दिखाया गया, उसका असली नाम हरखा बाई था, हरखा बाई, ठीक है, ओके। तो इस तरह से फिर बाद में जो आखिर में जो है अकबर को एक बच्चा जन्म लेता है, सलीम,
सलीम का नाम आता है, सलीम सहजादा सलीम, ठीक है। तो सलीम का जन्म हुआ और सलीम को, सलीम जब बड़ा हुआ तब उसकी अपने फादर अकबर के साथ बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी। एक्चुअल में सलीम बहुत आलसी लड़का था, अकबर जितना टैलेंटेड और पावरफुल था सलीम उतना ही आलसी था, ठीक है। और वो हमेशा शराब पीता रहता था, ड्रिंक करता था और ऐसे ही नाच गाने देखता रहता था राज दरबार में। बहुत आलसी लड़का था सलीम, ठीक है। अकबर अपने लड़के से बहुत परेशान था। ऐसे में सलीम जो है एक नाचने वाली अनारकली को रानी बनाना चाहता था और अकबर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि सलीम जो उसका बेटा है, जो हिंदुस्तान का होने वाला शहंशाह है, ठीक है, हिंदुस्तान का होने वाला शहंशाह है। पहले ये जो मुगल होते थे ना, ये बहुत सारे टाइटल लगाते थे, जिल्ले लाही जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं, ऐसे बोलते थे, ठीक है, बड़े बड़े टाइटल लगाते थे, जिल्ले लाही जहां पना शहंशाहों के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इतने बड़े बड़े टाइटल लगाते थे। तो मतलब अकबर नहीं चाहता था कि सलीम जो कि कमजोर है वो किसी अनारकली को राजगद्दी पर बिठाए, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन सलीम चाहता था, सलीम चाहता था कि अनारकली को राजगद्दी पर बिठाया जाए। 1585 के आसपास, 1585 के आसपास सलीम के किस्से अनारकली से देखे गए थे, ठीक है। केशव टाउ सलीम जो था उसका नाम बाद में जहांगीर पड़ा था। और जब अकबर के बेटे सलीम और अनारकली के जब जो किस्से देखे गए, आखिरी में अकबर ने डिसाइड किया कि अनारकली को मारना होगा, अनारकली को मार देना चाहिए क्योंकि सलीम उसको राजगद्दी पर बिठा देगा, यानी कि जहांगीर उसको राजगद्दी पर बिठाएगा, इसीलिए उन्होंने उसको मारने का डिसाइड किया। और अकबर ने अनारकली को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया, उसके चारों तरफ गोल गोल दीवार बनाई गई और ऊपर से पत्थर की सिल्लियों से ढक दी गई और अनारकली अंदर दम घुट के मर गई। उसको पहले एक खंबे से, लोहे के खंबे से खड़ा किया गया, लोहे के खंबे से उसके हाथ पैर बांधे गए अनारकली के, और उसको जिंदा ही ईंटों से चारों तरफ से सील पैक कर दिया गया, लिपाई कर दी गई बाहर से, और आखिरी में अनारकली मर गई, आखिरी में अनारकली मारी गई। इस तरह से अकबर और जहांगीर की बहुत दिनों तक लड़ाई होती। जब अकबर की डेथ हुई 1605 में, उस समय तक भी जहांगीर यानी कि सलीम और अकबर की फाइट होती रही थी आपस में, इन दोनों बाप बेटों में आपस में लड़ाइयां होती रही थी, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला, सलीम यानी कि जहांगीर, ठीक है, अकबर के बाद अगला जहांगीर, ठीक है। अब जहांगीर ने क्या किया, देखिए अकबर की डेथ के बाद में जहांगीर राजा बने, ठीक है, जहांगीर मतलब सलीम, ठीक है। तो देखिए जिल्ले लाही जहां पना साहो के शहंशाह, क्या बने, जहांगीर। जहांगीर का एक मतलब होता है, जहांगीर का मतलब होता है सारे जहां का राजा, जहांगीर पूरे जहां का राजा, ठीक है, जहांगीर। तो सलीम को नाम जहांगीर मिला। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर राजपाट करते रहे और उन्होंने अटैक किया, सिसोदिया राजवंश पर अटैक किया, अमर सिंह ने उनकी जो मुगल शाही को एक्सेप्ट किया, जब जहांगीर ने अटैक किया तो अमर सिंह ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ओके। फिर सिख किंगडम पर अटैक किया, फिर अहोम किंगडम पर अटैक किया, फिर अहमदनगर पर अटैक किया, ठीक है, अलग अलग जगह पर जहांगीर ने अटैक किया और कब्जा लिया, ठीक है, ओके। और प्रिंस खुर्रम मतलब शाहजहां का बचपन का नाम, इनके बचपन के नाम सारे अलग होते थे। अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम, सबके बचपन के नाम अलग होते थे, बाद में टाइटल मिलते थे, ठीक है। तो जो है जहांगीर के टाइम में खुर्रम ने भी रिवोल्ट किया, खुर्रम मतलब शाहजहां ने भी रिवोल्ट किया और जहांगीर को जेल में बंद कर दिया और शाहजहां ने राजपाट शुरू किया। जहांगीर की वाइफ का नाम, जैसे अकबर की वाइफ का नाम हरखा बाई था, उसे लोग जोधा बाई भी कहते हैं, तो जहांगीर की वाइफ का नाम था नूर जहां। नूर जहां का असली नाम नूर जहां नहीं था, मेरुनिसा, नाम याद रह जाएंगे सारे, मेरुनिसा, मेरुनिसा का नाम बाद में क्या पड़ा, नूर जहां, क्योंकि ऐसा मानता था जहांगीर कि नूर जहां जितनी सुंदर लेडीज उस समय थी नहीं कोई, इसलिए उसने कहा कि पूरे जहां में सबसे सुंदर औरत नूर जहां, नूर मतलब रोशनी, पूरे जहां
जहां की रोशनी, नूर जहां, मेरू निशा का नाम नूर जहां रखा गया था, ठीक है। और नूर जहां टर्की की रहने वाली थी, टर्की कंट्री की रहने वाली थी, तो ये उसकी शादी उससे हुई, ठीक है। देखा कि किस तरह से अकबर और जहांगीर के टाइम में कैसे हुआ, कैसे मिलिट्री कैंपेन्स की गई अलग अलग एरिए में, सिसोदिया में, सिसोदिया जो अमर सिंह का एरिया था वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया जहांगीर को। तो आज हम डिसीजन करेंगे, अभी हम डिसीजन करेंगे किस बारे में, यस शाहजहां के बारे में, यस शाहजहां के बारे में डिसीजन करना है हमें आज, ठीक है। तो शाहजहां के बारे में देखिए, शाहजहां लिखा हुआ है यहाँ पे, शाहजहां जहांगीर के ही थे, शाहजहां जहांगीर के बेटे थे, ठीक है। न्यू सक्सेसर जो अब मुगल सल्तनत में आएगा वो शाहजहां होगा, ठीक है। जैसे ही जहांगीर को, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहांगीर को शाहजहां ने कैद किया था, शाहजहां ने जहांगीर को कैद किया था और फिर बाद में जहांगीर की डेथ हो गई थी, ठीक है, जहांगीर की डेथ हो गई थी, इसको लिया गया। जहांगीर को शाहजहां ने कैद किया था और शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। उनको बचपन में खुर्रम कहा जाता था, ठीक है। फिर बाद में शाहजहां जब बड़े हो गए तो उनका नाम क्या पड़ा? शाहजहां, ठीक है। मतलब खुर्रम का नाम बाद में शाहजहां पड़ा, ठीक है। शाहजहां का टाइमिंग 1627 से लेकर 1658 के बीच में रहा। कब के बीच में रहा? 1627 से 1658 के बीच में रहा, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं शाहजहां का टाइम था 1627 से 1658 के बीच में। इन्होंने भी बहुत सारे एरिए जीते, शाहजहां भी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे अपने टाइम में। जैसे अकबर हुआ था, जैसे अकबर अपने टाइम में, यानी कि जलाल जिसका बाद में नाम अकबर रखा गया, वो बहुत फेमस हो गए थे, इसी तरह से शाहजहां भी बड़े फेमस हुए थे। शाहजहां बिल्डिंगों के लिए माने जाते हैं, द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल सल्तनत। मुगल जो एम्परर थे उन सब में सबसे बड़ा आर्किटेक्ट हुआ था शाहजहां। शाहजहां ने अपने टाइम में बहुत फेमस लाल किला बनवाया दिल्ली में, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल तैयार करवाया, शाहजहां ने ही अपनी बेगम, यानी कि उसकी जो बेगम थी, उसकी जो वाइफ थी, मुमताज महल, मुमताज महल के मरने के बाद आगरा में उसी की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल बहुत ही सुंदर कलाकृति है इंडिया की और दुनिया के 9 वंडर्स में गिनी जाती है। तो शाहजहां बहुत टैलेंटेड और बहुत जो है एक ऐसे राजा हुए हैं, एक ऐसे हुए हैं, ऐसे किंग हुए हैं जो कि अपने टाइम में बहुत फेमस रहे, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स के उन्होंने साउथ की तरफ, हाँ जी यस, 7 वंडर्स में, यस बिल्कुल। अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो ये रहे हैं, तो डेक्कन में साउथ में इन्होंने कैंपेन्स किया, डेक्कन में वो लोग गए, ठीक है, डेक्कन में वो गए। तो शाहजहां ने मिलिट्री कैंपेन्स किया साउथ डेक्कन की तरफ, ठीक है। अफगान नोबल जो थे, ठीक है, अफगान नोबल के ऊपर भी अटैक किया उस समय। अफगान जो थे, अफगान उनके जो नोबल्स थे, मतलब कि सुल्तान या जो दिल्ली के जो सम्राट थे शाहजहां, शाहजहां के जो मतलब नोबल मैन होते थे, जो उसके राजदरबारी होते थे, जो अफगानिस्तान में थे, उन्होंने भी रिवेल कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था, जो कि बाद में क्लियर कर दिया गया, ठीक है। और उसी टाइम में खान जहां लोधी ने भी रिवोल्ट किया था, तो वो भी शांत किया गया, वो भी क्लियर किया गया, ओके। तो देखो कि इस तरह से जगह जगह पर शाहजहां ने अपने एरिया में जीतना शुरू किया और पावर अपनी बनानी शुरू की, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन शाहजहां ने किया, डेक्कन में किया, अफगान नोबल जो थे उसके उन्होंने भी रिवोल्ट किया। क्यों रिवोल्ट करते थे? अपना अलग अलग राज्य बनाने के लिए। शाहजहां के टाइम में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो अपना खुद का साम्राज्य बनाना चाहते थे, वो मुगल सल्तनत के अंडर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भी रिवोल्ट किया। ऐसे किसने किया? अफगान मोगल्स ने भी किया और खान जहान लोधी ने भी किया, खान जहान लोधी ने भी किया। तो उनके रिवोल्ट को भी शांत किया उसने, उन्हें उनको कंट्रोल कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और उसके बाद कंट्रोल किया पूरा। रिबेलिंग का मतलब होता है रिवोल्ट करना, विद्रोह करना, विद्रोह करना होता है रिबेलिंग का मतलब, ठीक है। तो रिबेल्ट किया उन्होंने भी। इसी तरह से उन्होंने साउथ में अहमदनगर को कंट्रोल किया। साउथ के जो बुंदेलाज थे, एमपी के अंदर बुंदेला ग्रुप होते हैं, बुंदेला, तो बुंदेला के लोगों को भी कंट्रोल किया। इसके अलावा ओरछा, ओरछा जो एरिया पड़ता है उसको भी कंट्रोल किया, एमपी के आसपास ओरछा,
और शाह को भी कंट्रोल किया, ठीक है। इस तरह से पूरे एरिया में शाहजहां ने अपना कंट्रोल भी किया और साथ में बहुत सारी फेमस बिल्डिंगें भी बनाई। शाहजहां की वाइफ का नाम था मुमताज महल, क्यों किया? एरिया बढ़ाने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए कंट्रोल करते थे पूरे भारत में। एरिया अगर मुगलों का हो जाएगा तो कोई भी मुगलों के सामने अपनी जो पावर नहीं दिखा पाएगा, इसीलिए जो एरिया बढ़ाने के लिए वो कैंपेन्स करते थे। मुमताज महल जो शाहजहां की वाइफ थी, मुमताज महल से शाहजहां बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में जब वो मर गई तो उसी के नाम पर ताज महल का निर्माण करवाया गया आगरा में, ठीक है, आगरा में कराया गया। यस बेटा गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया गया, ठीक है। शाहजहां अपने टाइम का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट हुआ है, लेकिन उसका बेटा औरंगजेब और उसके तीन चार बच्चे और थे। हाँ यस जशना, ठीक है। तो औरंगजेब जो थे, औरंगजेब जो शाहजहां के बेटे थे, शाहजहां के बाद यानी कि शाहजहां के लास्ट टाइम में 1657 और 8 में, यस हाँ, अपने पिता को जेल में इसलिए डाला जहांगीर को, क्योंकि जहांगीर स्टार्टिंग से आपको पता है वो बहुत आलसी नेचर के थे, आलसी थे और वो राजपाट में दिलचस्पी नहीं करते थे। और शाहजहां की जो जहांगीर की जो वाइफ थी, जहांगीर की जो वाइफ थी जिसका नाम था नूरजहां, तो नूरजहां सारा कुछ कंट्रोल करती थी, ठीक है। इसलिए वो नूरजहां के कंट्रोल से निकलकर अब खुद अपना राजपाट करना चाहते थे, ठीक है। शाहजहां, यस ठीक है। तो शाहजहां ने अपने इसलिए अपने पिता को जेल में डाला, ठीक है, ओके। तो अब देखिए हम बात करते हैं औरंगजेब की। हाँ जी हाँ जी, ओके। तो देखिए शाहजहां ने जहांगीर को क्यों डाला जेल में, क्योंकि शाहजहां तो बहुत ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाहजहां बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन जहांगीर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, और बल्कि जहांगीर तो राजपाट भी नहीं करते थे, इसीलिए आखिरी में उनको जेल में डाल दिया गया, ओके यस। अब औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि शाहजहां ने अपने पिता को जेल में डाला जहांगीर को, उसी तरह से औरंगजेब ने भी शाहजहां को जेल में डाल दिया था। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया उसी के सामने एक जेल बनवाई गई थी, उस जेल में शाहजहां को डाल दिया गया, बंद कर दिया गया। औरंगजेब की अपने भाइयों से भी लड़ाई हुई। औरंगजेब के भाई थे दारा शुजा और शिको, ठीक है, ये आपस में भाई लड़े थे आपस में, यस दारा सूजा शिको, यस। क्यों डाला? क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारे पैसे बिल्डिंगों में खर्च कर दिए थे, राज खजाना सारा खाली कर रहा था वो, तो औरंगजेब को इस बात की टेंशन थी कि अगर सारा राज खजाना खाली कर दिया जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा फिर, इसीलिए उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। राज खजाना खाली हो रहा था, शाहजहां के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, तो राज खजाना मुगल खजाना खाली हो रहा था, ठीक है, मुगल खजाना खाली हो रहा था, ओके। इस तरह से धीरे 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 जो है औरंगजेब ने फिर इसको शाहजहां को जेल में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद औरंगजेब का राजपाट शुरू हुआ। औरंगजेब अपने भाइयों से लड़ता है, यस। औरंगजेब ने शाहजहां को इसलिए डाला क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारा खजाना खाली कर दिया था। मैंने तीन बार रिपीट किया बेटे, औरंगजेब जो शाहजहां के बाद जो रूलर आए, वो 1658 से 1707 के बीच में रहे, ठीक है। उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स की अहोम स्टेट आसाम में, ठीक है, अहोम स्टेट आसाम में 1663 में की। औरंगजेब ने मिलिट्री कैंपेन्स अपने भाइयों को हराया, दारा सूजा और शिको को हराया, ठीक है। किसने हराया? औरंगजेब ने, ओके। उसके बाद में मिलिट्री कैंपेन्स हुई 1663 में नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में कैंपेन्स किया गया, ठीक है, आसाम में कैंपेन्स किया गया, ठीक है। इसके अलावा आसाम में अहोम स्टेट को कंट्रोल करने के अलावा यूसुफ जई जो अटैक हुआ था उसके ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल किया, ओके। उसके बाद देखिए सिख रिबेल जो हुए थे उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया। किसने किया? औरंगजेब ने। औरंगजेब बहुत ही पावरफुल राजा रहा था शाहजहां के बाद, ठीक है। वैसे शाहजहां भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन औरंगजेब उससे भी ज्यादा पावरफुल थे। तो उन्होंने आसाम में अहोम स्टेट को कंट्रोल किया, यूसुफ जईयों के अटैक को कंट्रोल किया, उन्होंने सिख जो दंगे हुए थे, सिख लोगों ने जो रिबेल किया था उसको भी कंट्रोल किया। और फिर बाद में औरंगजेब का जो है
अटैक जो हुआ था, औरंगजेब का जो अटैक हुआ था वो मराठा एरिए में भी हुआ, मराठा जो चीफ थे उनके ऊपर भी उन्होंने अटैक किया था औरंगजेब ने, मराठा चीफ पर भी अटैक किया था। ओके, मराठा चीफ कौन थे? छत्रपति शिवाजी जो थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया था, और आखिरी में दक्कन, बीजापुर और गोलकुंडा तक पूरा एरिया कंट्रोल कर लिया गया था। दक्कन, बीजापुर और गोलकुंडा एरिया यानी कि 1685 से लेकर 1687 तक दो एरिया और कंट्रोल किए गए, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, तो इस तरह से औरंगजेब में लास्ट जो मुगल बादशाह थे उनकी फिर डेथ हो जाती है। औरंगजेब की वाइफ का नाम के तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, औरंगजेब की बहुत सारी वाइफ थी, यहाँ पर उसके बारे में कोई जो है एनटीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा औरंगजेब की वाइफ का नाम क्या है। ठीक है, शाहजहां की वाइफ और नूर जहां की वाइफ को याद रखिए, औरंगजेब अकबर की वाइफ को याद रखिए। ठीक है, ओके, इस तरह से। ओके, तो देखिए हमें समझ में आ गया, शाहजहां को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, औरंगजेब को फिर रिपीट कर रहा हूँ। ओके, शाहजहां का टाइम 1627 से 1658 के बीच में रहा। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, खुर्रम बाद में शाहजहां बन गए। शाहजहां ने डेक्कन में साउथ में कंट्रोल किया, शाहजहां ने अफगान नोबल के जो रिबेल हुआ था, अफगान के जो राजदरबारी थे उनके रिबेल को यानी कि उनके विद्रोह को शांत किया, शाहजहां ने खान जहान लोधी के रिबेल को शांत किया। ठीक है, और शाहजहां ने अहमदनगर, बुंदेलाज, ओरछा इन एरिया में भी अटैक किया उनको। हाँ, अलावा बहुत सारे और बनवाए, दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद तैयार करवाई। ठीक है, और बहुत सारी मस्जिदें उन्होंने तैयार कराई थी। अकबर के टाइम में भी लाल किला बनवाया गया था। ओरछा एरिया है साउथ में एरिया है ये। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने खान जहां लोधी को अटैक किया, अहमदनगर और बुंदेला पे अटैक किया और कंट्रोल किया। हाँ, ठीक है, ओके। और उसके बाद में शाहजहां की वाइफ और मुमताज महल, जो शाहजहां की वाइफ थी उसके ऊपर भी, शाहजहां की जो वाइफ थी मुमताज महल जो है उनकी याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब देखिए औरंगजेब के बारे में, 1658 में औरंगजेब 1658 से फ्रेंच औरंगजेब ने की 1658 से 1707 के टाइम में। ठीक है, औरंगजेब ने कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनवाया। ओके, तो इस तरह से उन्होंने अहोम स्टेट में उन्होंने किया। अहोम स्टेट 1663 में जीत लिया गया, आसाम का एरिया। यूसुफ जेयों के जो अटैक थे उनको भी कंट्रोल किया औरंगजेब ने, सिख जो रिबेल हुए थे उनको भी कंट्रोल किया, और मराठा चीफ यानी कि छत्रपति शिवाजी थे उनके के भी कंट्रोल किया था। ठीक है, और डेक्कन बीजापुर और गोलकुंडा वहां पर भी अटैक किया था। इस तरह से मुगल सल्तनत आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, मुगल सल्तनत के बारे में मैंने मुगल एम्पायर के बारे में सारा कुछ, मुगल एम्पायर को किया। अब तुम एम्पायर की शुरुआत, हाँ, मुगल एम्पायर की शुरुआत आपने देखा कि मुगल एम्पायर की शुरुआत जो हुई थी वो बाबर से हुई इंडिया में, और बाबर जो है वो अफगानिस्तान से आए थे। बाबर की जो मदर और फादर जो थे, मदर साइड जो मुगल होते थे वो मदर साइड से गिंगिस खान मंगोलिया से होते थे, चंगेज खान मंगोलिया से, इनकी उनकी माँ जो थी, मुगलों की जो माँ का वंश था वो मंगोलिया से था, चंगेज खान चंगेज जी की तरफ से था, जो कि चाइना और सेंट्रल एशिया का एरिया होता है। आप देखो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है चंगेज खान की डेथ जो कि 1227 में हो गई थी, मंगोलिया के रहने वाले थे। मुगलों की जो मदर साइड है, मुगलों की जो माँ थी वो मंगोलिया की रहने वाली थी। ठीक है, फिर मुगलों में जो बाबर के पड़दादा रहे हैं वो मीरान शाह रहे हैं और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये बाबर के पड़दादा थे, ग्रेट ग्रैंड फादर। बाबर के जो पड़दादा थे वो कौन थे? मीरान शाह और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये बाबर के पड़दादा थे। फिर दादा कौन थे? अबू सैयद, बाबर के दादा। यस, अरे यार, मीरान शाह, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये दादाजी थे यानी कि पड़दादा थे बाबर के। बाबर के दादा कौन थे? अबू सैयद। अबू सैयद यानी ग्रैंडफादर, बाबर के ग्रैंडफादर थे अबू सैयद, और बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, उमर शेख उनके फादर थे बाबर के। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे
ये उनके प्रदादा बिरान शाह सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, फिर उनके दादा अबू सैयद, और फिर उसके बाद उनके फादर उमर शेख मिर्जा, और उसके बाद बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से आप देखोगे कि पूरा जो वंशावली है मुगलों की हमने यहाँ पर कंप्लीट की है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही, आज के मुगल सल्तनत में इतना ही। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।